हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री से हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आज की क्लास में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये देख रहे हैं आप लोग 2012-12 के सी में 15-19 में मतलब ये पूछा गया है। तो आप लोगों को कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है, वो पूरा आप लोगों को इसी में पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और आप लोगों को मॉडल पेपर जो है अभी लगातार एकदम डाला जा रहा है मेरे भाई, ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो ऑल लेवल का भी जो स्टूडेंट है जो 10th के अलावा भी है वो भी देखेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट करेगा। लेकिन ये क्लास 10th के लिए बहुत ही स्पेशल है। एक में क्या करा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो जब भी हिंद चीन क्षेत्र कहे तो उसमें चीन कभी भी नहीं आएगा। तो उसमें कौन आता है, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस कैसे याद रखेगा, कहाँ बीत लाओ, ठीक है, कहाँ बीतैलो, कहाँ बीतैलो याद रखेगा। तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है, याद रखिए। हिंद चीन है लेकिन उसमें ना हिंदुस्तान होगा ना चीन होगा, याद रखिएगा। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये देखिए 2012 के एसी 15 में फिर 19 में पूछ दिया यही ऑब्जेक्टिव। तो अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है स्थित, तो कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है। आगे की ओर बढ़ते हैं 3 नंबर में, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए ये पूछा हुआ है कब कब, 2016, 2018 और 2020 में पूछा है, आगे भी पूछने की संभावना है 2022 में। 16 के बाद 18 में, 18 के बाद 20 में, 20 के बाद कब पूछेगा, तो 22 में, याद रखिएगा। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो थे आप लोगों को कौन थे, तो पुर्तगाल, याद रखिएगा, पुर्तगाली। आगे क्या कह रहा है, देखिए 2021 के ए में पूछ दिया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी जो बसते थे उसे हम लोग कोलोन कहते थे, क्या कहते थे, कोलोन कहते थे। 5 में क्या कर रहा है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। 6 में कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो वो लिखा था मेरे भाई फान बोई चाऊ, फान बोई चाइचू है, चला था चाइचू, 2011 में ये पूछा गया है, चाइचू वाला, चाइचू वाला। आगे की ओर मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ उसका नाम क्या है, ये 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो हमारे प्यारे दोस्त इसका हो जाएगा आप लोगों को हनोई समझौता। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था 1946 में मार्च के माह में। आगे की ओर क्या कर रहा है, 8 नंबर में कर रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर के अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो वो दिया था, वो जो है वो है रसेल। कौन है, रसेल, रसेल। हाँ, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, जब हिंद चीन में युद्ध और अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो निक्सन था। कौन था, निक्सन, कौन था मेरा भाई, निक्सन था। आगे की ओर कह रहा है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो हुआ हुआ आंदोलन क्या, तो हुआ हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक था, क्या था, क्रांतिकारी धार्मिक, क है अंतिम में, ठीक है, क मिट गया है, क है, ठीक है, धार्मिक होगा, क्रांतिकारी धार्मिक। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 10 के बाद क्या कर रहा है, 11 में, 11 में कर रहा है हमारे प्यारे दोस्त, जेनेवा समझौता कब हुआ, तो जेनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था, हनोई समझौता 1946 में, याद रखिएगा, जनेरा 54। चलिए वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण जो 1975 में पूरा हुआ, कब हुआ, 1975 में। और एक और बात याद रखिएगा आप लोग को, ऐसे तो अभी नहीं आएगा इसमें लेकिन याद रखना है आप लोगों को, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान का दिल जो है टूट टूट के टूट गया। हाँ, अनामी दल के संस्थापक कौन थे, अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो वो थे जोंगवेन आई, जोंगवेन आई थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जोंगवेन आई, जोंगवेन आई, अनामी।
डी एन बी एन फुके युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। डी एन बी एन फुके, डी एन बी एन फुके, ये जो युद्ध था इसमें बुरी तरह से कौन हारा, तो डी एन ए डी एन बी एन फुके में जो है ये फ्रांस जो है बहुत बुरी तरह से हारा था। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर में क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, तो दुई तान हुई के थे कौन नेता थे, कुआंग दे। तो याद रखिएगा दुई तान हुई तो कुआंग दुई दे, ठीक है कुआंग दे। चलिए आप लोगों के लिए मैं पूरा एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, ठीक है आप लोग को दिख रहा होगा कब कहाँ हुआ था। तो जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया, तो जापान जो है हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया सो पूछ रहा है। तो वो जो अधिकार अपनाया था 1940 में, तब ना जो अमेरिका जो जब ना तब जाकर जापान पर मार दिया, नागासाकी पर, फिर एक बार मार दिया हिरोशिमा पर बम मार दिया परमाणु बम। हाँ स्कॉलर विद्रोह कब हुआ, स्कॉलर विद्रोह आप लोगों को पता होगा कि 1968 में हुआ था स्कॉलर विद्रोह। आगे कह रहा है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो वो हुआ था 1907 में, और अपना देश में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। स्कॉलर विद्रोह का है तो 68 और टोकिन फ्री स्कूल का है तो 1907। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था, तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है निक्सन के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की ओर, विश्व में क्या कह रहा है कि होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो होची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक क्या है, पथ प्रदर्शक। 21 में क्या कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है कब हुई, तो 1945 में हुआ। कब हुआ, 1945 में हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, 2019 में पूछ चुका है ए में, ठीक है प्रथम पाली में। तो अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना है सबसे आसान और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सूर्य बर्मन द्वितीय, ठीक है। आगे कह रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी, तो लाल खमेर सेना जो था सिहानुक की थी, सिहानुक की थी, याद रखिएगा। 24 में कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल जो है किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए ज़्यादा आती नहीं, मतलब बोर फील नहीं होने का, समझे ना। हाँ अगर आप लोग को नए नए दोस्त होंगे उनके पास आप लोग जरूर से जरूर रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों से है कि आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। नियो लियो हक्सत, मतलब NLHS, मतलब नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो ये जो है किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो वो था पाथेट लाओ की, पाथेट लाओ की। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 में कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है किसके विरुद्ध हुआ था, तो वो हुआ था ईसाइयत के विरुद्ध, ईसाइयत के विरुद्ध, ईसाइयत के विरुद्ध। 27 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया, तो अमेरिका जो है पहली बार किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लिया था, तो वह आप लोग जानते ही हैं, और मैं बार बार मैं बता देता हूँ एक बार और, कैनेडी के शासनकाल में सबसे पहले ये जो है लिया था, और निक्सन के समय में ख़त्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की ओर, तो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो है 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। 29 में कह रहा है हुआ हुआ, ठीक है हुआ हा हुआ, यहाँ पर हुआ हुआ ही होगा, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, मतलब कि इसका नेता कौन था, तो हुई फूसो, क्या था, हुई हुई फूसो, हुई फूसो, ठीक है। चलिए 29 के बाद हम लोग चलते हैं 30 में। 30 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त,
कह रहा है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये जो है हो ची मिन है। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन है, तो हो ची मिन है। कौन है, हो ची मिन है। आगे क्या कह रहा है 31 में कि फान चू त्री किस में विश्वास रखते थे, फान चू त्री किस में विश्वास रखते थे, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में रखते थे। आगे क्या कह रहा है 32 में, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया, तो अमेरिका ने रबर के बगान पर कौन सा रसायन का छिड़काव किया, तो जहरीला, ठीक है, जहरीला का छिड़काव किया। आगे की ओर क्या कह रहा है कि वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग का स्थापना किसने किया, वियतमिन और वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया, तो वो किया था हो ची मिन ने, हो ची मिन ने। कौन किया था, हो ची मिन ने। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि हमारे प्यारे दोस्त अगर आप लोग नए नए हो तो नीचे जो है मॉडल पेपर आप लोगों को क्लास 10th का सोशल साइंस का आप लोगों को 3 मॉडल पेपर आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। 100% वो तीनों से तैयारी कीजिएगा आप, तो आप लोगों को, आप लोगों को जो 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव एकदम कर लीजिएगा, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और साइंस का भी मॉडल सेट आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। और मैथ का भी, साइंस मैथ सोशल साइंस सभी चीज़ का दे दिया गया है नीचे, आप लोग को जो इच्छा करेगा वो देख सकते हैं। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया, तो पुर्तगालियों जो है कहाँ पर अपना जो है केंद्र बनाया था, तो वो जो है पुर्तगाली जो है अपना केंद्र बनाया था हमारे प्यारे दोस्त, वो बनाया था मलक्का में। कहाँ बनाया था, मलक्का में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त, ठीक है, राज्य किस वर्ष बना, कंबोडिया जो है फ्रांस का संक्षिप्त राज्य कब, मतलब संरक्षित राज्य कब बना, तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य जो बना था वो बना था 1863 में, ठीक है। चलिए आगे के 36 में, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन नहीं था, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, तो इंडो चाइना को कौन सा ऐसा देश है जो अपने उपनिवेश के रूप में, तो वो पुर्तगाली है। कौन है, तो पुर्तगाली है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता का, संस्कृति का प्रभाव था, तो वो था चीनी का। प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी संस्कृति का जो है प्रभाव था। आगे की ओर क्या कह रहा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुई थी। चलिए 41 में कह रहा है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो वियतनाम में जो भी फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उसको कोलोन कहा जाता था, ये दो बार आ गया है। और अगला चैप्टर आप लोगों को मैं बताऊंगा भारत में राष्ट्रवाद, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हुए रहिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लियांग किचाओ कौन था, तो लियांग किचाओ जो था मेरे भाई वो था इनमें से कोई नहीं। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऐसा ही बेस्ट ऑब्जेक्टिव का, भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आप लोग को 3 नंबर या 4 नंबर एकदम फिक्स रहता है एग्जाम में। तो आप लोग पूरा देखें, जो भी देखें, अगर पूरा नहीं देखे तो बैक करके ही देखें, लेकिन ज़रूर देखें। और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और हमारे प्यारे दोस्त आप लोग एक एक लाइक करते रहेंगे, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आप लोग पढ़ते रहें। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।